पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से जनमत का अपहरण कर रही है, प्रजातंत्र का चीरहरण कर रही है। बहुमत वाली कांग्रेस की श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने का कुत्सित षड्यंत्र कर रही है। एक सरकार और मुख्यमंत्री जो अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, जो कोरोना और आर्थिक संकट पर विधानसभा बुलाना चाहते हैं, जो उन सारे व्यक्तियों का एक बार में मुंह बंद करना चाहते हैं जो कहते थे कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं, कांग्रेस का बहुमत तो यहां खड़ा है। राजस्थान के राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर राजस्थान की विधानसभा का बहुमत यहां खड़ा है, राजस्थान के आदरणीय राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर। और हम सब एक ही गुहार लेकर आए, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास संपूर्ण बहुमत है और हम कोरोना से लड़ने, आर्थिक संकट से लड़ने, राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की भलाई के लिए विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। सारे विधायक बहुमत से इसी दरख्वास्त के साथ आज राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर उपस्थित हुए। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा था कि हमें राज्यपाल जी के आदेश का इंतजार रहेगा, आदरणीय राज्यपाल जी जिनका अपना लंबा राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने खुले मन से न केवल मुख्यमंत्री जी को बल्कि हम सबको ये कहा कि वो संविधान की अनुपालना करेंगे बगैर किसी दबाव और द्वेष के। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ टिप्पणियां लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक छोटा सा आदेश भेजा है, जैसे ही मंत्रिमंडल उन टिप्पणियों का निदान कर देगा तो संविधान की धारा 174 के तहत वो महामहिम राज्यपाल जी वो संविधान की अनुपालना के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। हमें महामहिम राज्यपाल जी की के इस आश्वासन पर कि वो आर्टिकल 174 में मंत्रिमंडल की सिफारिश को मानने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, हमें एक बुजुर्ग और परिवार का मुखिया होने के नाते उनकी बात पर आज उन्होंने ये जब कहा तो बात पर विश्वास है। मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर बैठेगी और अगर कहीं कोई शंका है तो उसका निदान करके मुख्यमंत्री आज ही या कल सुबह तक, आज रात को ही मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है लगभग 9:30 बजे, आज ही उसका निदान निकालकर आज ही राज्यपाल जी को भेज देंगे ताकि विधानसभा का सत्र हो, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की भलाई का कार्य गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार कर पाए। एक आखिरी बात और जोड़ना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी हथकंडों ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता की असमत और स्वाभिमान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपना ले, ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर ले, दिल्ली में बैठे सत्ता के सिंहासन पर मदमस्त हुक्मरान राजस्थान की जनता के जनमत की हत्या करने की कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि ये 8 करोड़ लोगों का स्वाभिमान है।